टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तू इज्जत से खाती है, वो इज्जत की खाती है। पसीना क्या सिर्फ तेरा ही बहता है? सदके यार, जान सदके जाऊं तेरे। अपनी औलाद दूसरे को मारता है जिस तरह तुम मार रहे हो? मेरी औलाद नहीं है, गंदा खून है, मेरी औलाद नहीं है ये। हुकुम सरकार। चलती है या नखरे दिखाएगी? हाय, इतनी जल्दी सरकार? उतावला बंदा धंधा खा जाता तो चल धंधे की बात कर लेते हैं। क्या लेगी? क्या देगी सर? अरे मेरी जान, हम तो तुझे देखते ही दिल दे बैठे। तू बोल क्या लेगी? घर भी खाली, दिल भी खाली, बेडरूम भी खाली। हाय मर्चा, और जेब? जेब तो खाली नहीं है ना। अरे झल्ली हो गई है क्या? खाली जेब वालों के पैर यूं ब्रेक पे नहीं पड़ते। आप शादीशुदा हो ना? ज्यादा नहीं। तुझे कैसे पता चला? ये जो खंडनुमा चेहरा है ना, इसे साफ पता चलता तुम शादीशुदा हो। रुको, वो देखो, तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी चली गई। सरकार, काम की बात करो, जल्दी से दाम बोलो इससे पहले कि मैं अपने दाम बढ़ा दूं। जो तू बोले, इनकार करूं तो कहना। हड्डियां चटखाती हूँ अपनी, पसीना बहाती हूँ, एकदम हलाल की खाती हूँ मैं। एक घंटे के पूरे 2000 में। पसीना क्या सिर्फ तेरा ही बहता है? अच्छा चल, चार ले लेना। दिल जो आ गया है तेरे। आमना, 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 क्या कर रही हो? बैठो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, मैंने कहा था ना कि मैं खाना खुद निकाल लिया करूंगा। नहीं मंजूर हुसैन, ये सब करने से मुझे मत रोको। पता नहीं मुझे क्यों लगता है, मैं शायद अब तुम्हारी खिदमत करने के लिए बाकी न रहूं। हर वक्त यही धड़का खाता है मुझे। मुझे अब खाना नहीं खाना, नहीं खाऊंगा मैं खाना जब तक तुम ये बेकार बातें करना नहीं छोड़ोगी। मैं जा रहा हूं कमरे से बाहर। चले जाओ, मैंने कौन सा खाना खा लेना है तुम्हारे बगैर। अच्छा, एक शर्त पे खाऊं, जब तुम वादा करोगी कि तुम आइंदा इस किस्म की बातें नहीं करोगी।
अच्छा बाबा खाओ खा, अब खाओ ना, क्या हुआ? आज जब तुम फैक्ट्री चले गए थे, तुम्हारे जाने के बाद सिद्रा खाल आए थे, उन्होंने बहुत दिल जलाने वाली बातें की। मंजूर हुसैन मुझे समझ नहीं आती, अगर मैं इस उम्र में मां बन रही हूं तो लोगों को क्या मसला है? क्या हुआ? मुझे लगता है ये बात मुझे तुम्हें बतानी नहीं चाहिए थी, माफ कर देना मंजूर हुसैन। अरे छोड़ो इस बात को, आओ खाना। क्या हो गया? बस वो उकाई आ रही है ना, खाती हूँ। देखो तुम्हारे जिस्म में खून की बहुत कमी है, ये सब खाना तुम्हारे लिए भी और बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है। खाती हूँ ना, ये लो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाता। खाना नहीं खाओगी तो खून कैसे बनेगा? पता नहीं ये मैंने गोश्त पकाया भी कैसे, इसकी स्मेल से ऐसी उबकाइयां आ रही हैं। एक मिनट, अभी दिल ठीक हो जाए ना खाती हूँ। ऐ सोच मेरी गुड़िया, अगर मैं तुझे भीख मांगने या नाच नाचने पर लगा देती तो तू एक रात में इतना कमा पाती? बोल ना। गुरु चल मेरा खर्चा निकाल, पैसे मैं बहुत थक गई हूँ। सदके जाओ मेरे जान, सदके जाओ तेरे। हिस्सा दे मेरा, चल। हाँ ये ले, रख ले, रख। जा आराम कर, जा जा आराम कर, जा। है थक गई होगी ना तू? इस 500 रुपए का मैं अचार डालूंगी। गुरु तेरी और मेरी नहीं चल सकती, मैंने सोच लिया, मैं अपना धंधा ना अब खुद करूंगी। ए बिलिया, रानी का बदन दबा दे, बहुत जोड़ जोड़ दुख रहा होगा उसका। ना गुरु, मुझे एक बात तो बता, तुझे मुझ में ऐसा क्या कीड़े दिखते हैं जो उसमें नहीं दिखते? घर के काम और भीख मंगवाने पे लगाई हुई है तू, और उसको VIP ट्रीटमेंट दे रही है। आ तू इधर आजा, तेरा मुंह जला दूंगी मैं। आ तू इज्जत से खाती है, वो इज्जत की खाती है, जब खिलाया है तो वसूल भी तो करूंगी। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। तब हो जाए यहाँ से। कौन है तू? तू निकलना, चल। अबे तू निकलना यहाँ से। मैं मारूंगी तुझे, जितने बता क्या करना। नहीं नहीं तू मेरे साथ चल, तू जा यहाँ से। अरे तुम लोग धंधा करने आई हो, फुटबॉल मैच खेलने आई, नहीं लेके जा रहा मैं किसी को। अबे अबे रुक तो सही, अरे अब तो सुन, तेरी वजह से वो चला गया। कौन है? मुझे ये बता तू है कौन? मैं 4 घंटे से यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, 6 महीने से यहाँ खड़ी हो रही हूँ मैं, ये मेरा अड्डा है, कहाँ से आई है तू? तुम जैसों ने हमारे पेट पे लात मार दी है, अच्छा खासा नाच गाना करके तुम लोग पैसे कमाते थे, आगे हमारा धंधा खराब करने के लिए। तू जा किसी संगम में जाके भीख मांग। तुझे यही जलन है ना, तुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं, भीख तो तू भी मांग सकती है, जा मांग भीख जाके। तू रो क्यों रही है? तू कितना मनहूस है ना, 4 पैसे आने वाले थे वो भी चले गए, पता नहीं अल्लाह ने तुम जैसी मखलूक को पैदा ही क्यों किया है। अल्लाह के कामों में ना उसको मशवरा नहीं देते, गुनाह मिलता है। हाँ तू तो जैसे यहाँ पे सवाब के टोकरे उठाने के लिए खड़ी है ना,
तू तो जैसे कोई गुनाह कर ही नहीं रही ना। देख मेरी बात सुन, ये जो बंदा है ना मेरे लिए आया था और ये ठिकाना भी मेरा है, और आज की बात तो यहाँ नजर मत आना। मैं कौन सा शौक से यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं तो उस मनहूस दिलावर से छुपने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। आज चार पैसे मिलते तो घर पे राशन डलवा लेती। पता नहीं लोगों को तुम जैसों में नजर क्या आता है। तुझे पता जब कोई बंदा गुनाह के रास्ते पे चलता है ना, उसे ना गटर के पानी की पहचान रहती है ना तालाब के पानी की। जैसे तू गटर का पानी है ना। सही कहा तूने, इस बात में मैं तेरे साथ बहस नहीं करूंगा। हम तो होते ही गटर का पानी है, हमारी ना कोई पहचान, ना कोई नाम और ना ही कोई किरदार होता। पता है माशरा हमें बदबूदार कहता है। अच्छा खैर छोड़, तू ये बता वो ये दिलावर कौन है जिसे छुप के तू यहाँ खड़ी है। वो मुझ पे नजर रखता है, मैं कब किसके साथ आ रही हूँ, कब किसके साथ जा रही हूँ। मेरी ही मेहनत की कमाई के चार पैसे मुझे पकड़ा के टलका देता है। बिल्कुल मेरे गुरु की तरह। मेरा गुरु भी ऐसे ही करता है मेरे साथ। ये तो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ उससे छुप के। अब मैं क्या करूंगी। तू कुछ नहीं करेगी आज के लिए ना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इधर देख, बात सुन, मैं जा रही हूँ, कल के बाद तूने यहाँ नहीं आना, ये मेरा ठिकाना है, समझी। डॉक्टर साहिबा, आपकी बीवी के साथ बहुत सारे मसाइल हैं और वो 17 साल के बाद माँ बनने वाली है। आपकी बीवी की एज भी ज़्यादा है, एनीमिक होने की वजह से ब्लड की बहुत कमी है। आप ये समझें कि खतरे के निशान से नीचे जा चुकी है। इसका कोई तो हल होगा, और वैसे भी वो जिगर के मरीज हैं। ये सब तो मैं जानती हूँ, मगर 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 क्या मतलब ये कि कमज़ोरी की वजह से बच्चा भी बहुत कमज़ोर है। मेरे हिसाब से 2-3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन उन्हें खून लाजमी चढ़ाना पड़ेगा। हमने उन्हें ड्रिप चढ़ा दी है, आप प्लीज़ खून का इंतज़ाम करें। आपका अस्पताल तो बहुत मशहूर है, खून का इंतज़ाम क्यों नहीं हो पा रहा है। आप तो जानते हैं आपकी बीवी का ब्लड ग्रुप AB- है, और ये बहुत रेयर होता है। कम से कम 200 लोगों में एक बंदे में ये पाया जाता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, अब आप प्लीज़ कुछ करें, वरना माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरा है। बैठ जा। बिंदिया, ये गुरु को गए हुए 2 दिन से ज्यादा नहीं हो गए? तुझे किस बात की फिक्र है, तेरी जान तो छूटी। पर गुरु गया कहाँ? वो बड़ी पीर के मजार में 2 हफ्तों के लिए, पूरी बरादरी इकट्ठा होगी उधर। ना, मैं और तू बरादरी के नहीं है क्या? हाँ है तो सही, मगर घर की चौकीदारी के लिए रखा है ना, और तेरा मन भी नहीं बनता है बड़े पीर के मजार पे जाने का। तुझे पता है मैं मजार शरीफ पे कब जाऊंगी? जब मुझे खुद से ना घिन आना शुरू हो जाएगी, जब मेरा मन अंदर से पाक होगा, तब जाके उस मुकद्दस जगह पे सजदा करूंगी। मसलन? मसलन जैसे मेरी माँ। मैं तो अल्लाह से एक ही दुआ मांगती हूँ, मुझे तब तक मौत ना दे जब तक मैं अपनी माँ के कदम न चूमूं, अपनी माँ का चेहरा ना देख लूं। तू कितनी खुश नसीब है ना, तुझे तो अपनी माँ याद है। मुझे देख, मुझे तो माँ का मतलब भी नहीं पता। मैंने आंख खोली तो गुरु की गोद में। 12 साल पाला है मुझे मेरे बाबा, उनके चेहरे मेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे मैंने कल ही देखा हो। अपने बाप का चेहरा अगर पानी में भी देखूं ना, तभी पहचानूंगी।
मुझिया मुझे एक बात बता, तो ये रोज रोज सड़कों पे भीख मांग के तंग नहीं आ गई? तू नहीं चाहती कि तू इज्जत की जिंदगी गुजारे? जैसे तू फंक्शनों पे नाच के और रात की रानी बन के नहीं थकती ना, तो वैसे मैं भी नहीं थकी। अच्छा बता, तू चाय पिएगी? मेरा मन कर रहा है। मेरा मन कर रहा है, तू ना ये इंडियन फिल्में कम देखा कर, इतनी कुमकुम। चल चाय लेके आ। टेबल जी सुलझा जा रे बालम, मन लगाओगे? हाय गुरु, मैं तुम्हें याद कर रही थी। कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची, तेरे कुर्बान जाऊं। तू है कहाँ? आ जाना जल्दी। अब सखी सुल्तान के बंदे तुझे लेने आए हैं। अब तो तेरी चौधरियों में भी दाग बैठ गई है। ना कर गुरु, मैं कब्रिस्तान आई हुई थी। आज अब्बा की बरसी है ना, तो सोचा दो तीन घंटे बैठ के अपना दिल हल्का कर लूं। और वैसे भी आज अब्बा की बड़ी याद आ रही थी। आज तेरे अब्बा की खबर कहीं भागी थोड़ी जा रही है, लेकिन एक दफा गाहक निकल गया ना तो धंधा चौपट हो जाएगा। हाँ चल आ जा मेरी बच्ची, जल्दी आ जा। हाँ ना गुरु, जिद ना कर मेरे साथ। तुझे पता है ना, शीला का मन नहीं तो शीला किसी की नहीं। वैसे भी मैं सच्ची बोल रही हूँ, अगर शीला और उसके अब्बा के दरमियान में तू आई ना तो शीला भाग जाएगी। ना 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 ना, आ मेरी बच्ची, ऐसा ना कीजिए। चल मैं सखी सुल्तान के बंदों को कल का कह देती हूँ। अच्छा क्या कहेगी भला? मैं कह दूंगी बच्ची का नागा आ गया। लो आ गया खुदाई फौजदार का फोन। हेलो खुर्शीद फूफा, कैसे हैं? इसमें उम्र का क्या लेना देना है? और ये क्या बात की आपने कॉन्डम की? मेरी कौन सी औलाद है जो मैं कॉन्डम यूज करूं? एक बात बताएं, आपने जो बच्चों की फौज बनाई हुई है, आपके जमाने में कॉन्डम नहीं था क्या? खुदा झूठ ना बुलवाए तो तीन बार चुके हैं आप। बस खुर्शीद पापा, दिल जला हुआ है मेरा। सच बात तो यह है कि तुम लोगों से मेरे बाप बनने की खुशी हजम नहीं हो रही। फोन काट दिया, बातें करने के लिए हैं सब, काम के वक्त कोई काम नहीं आता। बिस्मिल्लाह सर जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं भी आगे देते जाए कुछ सर, ज्यादा नहीं जो हस्बे तौफीक देते जाए सर। सर इनकार ही नहीं करते, अल्लाह नाराज होते। ख्वाजा सराओ को दिया करो, दुआएं लगती है, अल्लाह आपके बच्चों की खैर करे, आमीन। ओ यार मेरा कोई बच्चा नहीं है सर। है नहीं तो हो जाएगा, देते जाए, इनकार ही नहीं करते, देते जाए प्लीज। हाँ होने वाला है, ये पकड़ 100 रुपए। सर अल्लाह इससे बढ़ के दे, बच्चों की खैर करे हो, लेकिन हमारे जैसे ना अपने नसीब आप ले, अल्लाह इससे बढ़ के दे, आमीन। Thank you.
माशाल्लाह। शी क्या हो गया? अरे मियां अंधे हो गए हो क्या? लड़की नजर नहीं आई? अरे ये तो हिजड़ा है, हम समझे लड़की है। क्या कहा हिजड़ा? जी चलो, गंदा फोन था, रह गया। मेरा सारा धंधा खोटा कर दिया सत्यानाश। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा असल में मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, आराम से लेटे रहो। मंजूर हुसैन, दिल छोटा मत करो, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करेगा इंशाल्लाह। मैं तेरी रजा में खुश हूं। हमारे लिए आसानी पैदा कर, ताकि शायद की जिंदगी भी आसान हो जाए और हमारी भी। मंजूर हुसैन, अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होते। मेरा दिल कहता है वो हमें भले चंगी औलाद से जरूर नवाजेगा, तो शायद जैसी नहीं होगी। दुआ कर अल्लाह पाक से कि इस बार हो तो बेटी हो, और इस जैसा दोबारा हो गया तो अल्लाह ना करे। अरे मंजूर भाई, तुम्हारे लौंडिया नुमा लौंडे को है ना हिजड़े उठा के ले गए। क्या ढूंढो, कहाँ ले गए? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराओ मेरे बच्चे को, चलो ढूंढो कौन ले। सबर कर रहा हूं, यही बेहतर है मेरे तेरे लिए और शाहिद के लिए। हेलो, कैसी है समाइश, कैसी है समाइश। मुझे माफ कर दो, दरअसल वो मैं बहुत परेशान हूं, मेरी बीवी भी इसी अस्पताल में दाखिल है।
ले जाओ, ले जाओ। क्या हुआ मेरी माँ, मेरा मतलब आपकी बीवी को? अल्लाह पाक ने 17 साल बाद औलाद की नवीद दी है, लेकिन मेरी बीवी के जिस्म में खून ना होने के बराबर है। डॉक्टर्स का कहना है कि माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा है, जो हुआ इसी परेशानी में। खैर तुम आराम करो, जरा मैं देख कर आता। क्या मेरी माँ की सोनी गोद फिर भरने वाली है? या अल्लाह मेरी जान ले ले, मगर मेरी माँ से इस बार औलाद की खुशी मत छीन। एक्सक्यूज मी, मेरी एक मदद करें। अरे डॉक्टर साहब, अब खून का इंतजाम हो गया है। मेरी फैक्ट्री का एक वर्कर है जिसका ब्लड ग्रुप भी यही है, वो शहर में ढंडोरा, बगल में बच्चा। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बीवी के लिए ब्लड का इंतजाम हो गया था। अच्छा, किसने दिया खून? कौन है वो नेक इंसान? वो जानकर क्या करोगे मंजूर हुसैन, वरना मुझे भी घर से निकाल बाहर करोगे। क्यों क्यों मैं क्यों ऐसा करूंगा? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मेरे अंदर से जो गंदा खून निकला था वो फिर से वापस आ गया मेरे जिस्म में मंजूर हुसैन। शायद चला गया मंजूर हुसैन, मगर जाते जाते अपनी माँ की होने वाली औलाद की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दे गया वो। जी हाँ, उनका ब्लड ग्रुप मैच हो गया। उस बेचारे का तो एक्सीडेंट हुआ था, उनका खुद का खून इतना बह चुका था कि उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कस्में दे देकर आपकी बीवी को ब्लड दिया। लेकिन जब तक हम उनका ट्रीटमेंट करते वो हॉस्पिटल से जा चुके थे। मुझे भी छोड़ दोगे क्या? क्योंकि वही गंदा खून मेरे जिस्म में वापस आ चुका। बोलो मंजूर हुसैन, जवाब दो मुझे। आज मुझे तुमसे जवाब चाहिए मंजूर हुसैन, बोलो मुझे भी छोड़ दोगे? बोलो मंजूर हुसैन, बोलो जवाब। अरे कहाँ चली? उस दिन के बाद ऐसा गायब हुई, नजर नहीं आई फिर। सलाम बिजू भाई। जालिम, ये क्या भाई बोल दिया? भूल गई अपने यार को? बिजू आज तेरा मूड नहीं है, जा यहां से। क्या ख्याल है आज खाना साथ खाएं? बिजू मैंने तुझे कहा ना, मेरा मूड नहीं है, नहीं जाना तो नहीं जाना। क्यों छोड़ दिया सब? अरे भूल गई अपने पुराने यारों को, या फिर रेट बढ़ाने का मूड है? मैंने कहा ना आज मेरा मूड नहीं है, चला जा यहां से वरना चप्पल उतार के मारूंगी मैं तुझे। अरे ऐसे नखरे करेगी ना किसी मार्केट या किसी इबादतगाह के बाहर बैठी होगी और एक दिन भीख मांग रही होगी, अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर। मैं ना अपनी इबादतगाह से होके आ रही हूँ, अपनी जन्नत की ज़ियारत करके आई हूँ, अपने सजदागाह को चूम के आ रही हूँ। कल मैं अपनी जन्नत से मिली थी, मुझे इसी नशे में रहना है और इन्हीं ख्यालों में रहने दे मुझे।